You are attending computer coding class. नमस्कार, कंप्यूटर कोडिंग क्लास की हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा ट्यूटोरियल ट्रांसफॉर्म फंक्शन पर बेस्ड है। यह पाइथन पांडाज का एक एडवांस फंक्शन होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्म फंक्शन करता क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्म फंक्शन एक्चुअल में खुद कुछ नहीं करता है। ट्रांसफॉर्म फंक्शन के थ्रू हमको यूजर डिफाइंड और इनबिल्ट फंक्शन को अपनी सीरीज या डाटा फ्रेम पर अप्लाई करते हैं, तो ये फंक्शन उसकी हर वैल्यू पे अप्लाई होता है और एक नया डाटा फ्रेम और सीरीज जनरेट होता है, जिसकी एक्सिस और लेंथ वही रहती है जो पहले डेटा फ्रेम जिसको हमने इसमें अप्लाई किया है। बोथ मस्ट बी सेम। ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन का सिंटेक्स है। इसके अंदर हम कोई भी यूजर डिफाइंड और इनबिल्ट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन या मल्टीपल फंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका एक्सिस जीरो होता है। देखिए, जीरो का मतलब होता है कॉलम वाइज और वन का होता है रो वाइज। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यह ट्यूटोरियल दो पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट बिगिनर्स स्टार्ट लेवल के लिए है, जिसके अंदर हम सिंपल डेटा फ्रेम और सीरीज बनाएंगे और उनके ऊपर सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन जैसे कि एक्सपोनेंशिएशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट जैसे फंक्शन अप्लाई करेंगे। और जो एडवांस लेवल होगा, इसके अंदर हम एडवांस जो फंक्शंस हैं जैसे ग्रुप बाय फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं, उनको पाइथन पांडाज पे अप्लाई करेंगे। इसके पहले हम लोग सारा प्रोसेस आपको SQL क्वेरी के थ्रू समझाएंगे और सेम प्रोसेस फिर हम उसको पाइथन पांडाज के साथ करेंगे। चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा एडिटर स्पाइडर है। सबसे पहले हम लोग पाइथन पांडाज और नमपाई को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक डेटा फ्रेम को बनाएंगे। इसके लिए हम लोग pd.dataframe कमांड को यूज करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी के अंदर दो कॉलम होंगे। पहले कॉलम की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके 5 तक और इसका की है a। और फिर हम लोग दूसरी वैल्यू देंगे इसके अंदर, उसकी रेंज रहेगी 2 से लेके 7। 2 से लेके 7 का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब है डेटा फ्रेम में दो कॉलम रहेंगे और टोटल 6 वैल्यू रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट कर रहे हैं और ये रहा डेटा फ्रेम 0 to 5, टोटल 6 वैल्यू विद 2 कॉलम्स। अब हम डाटा फ्रेम की हर एक वैल्यू को डबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म फंक्शन अप्लाई करेंगे जो एक नया डेटा फ्रेम df1 क्रिएट करेगा। ट्रांसफॉर्म फंक्शन के बाद हम लोग पेरेंथिसिस लिखेंगे और पेरेंथिसिस के अंदर ब्रैकेट में हम स्क्वायर फंक्शन को अप्लाई करेंगे जो numpy का फंक्शन है। अब हम नए डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो नया डेटा फ्रेम है उसकी लेंथ और एक्सिस सेम है प्रीवियस डेटा फ्रेम के हिसाब से, पर इसकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो स्क्वायर हो चुकी है, डबल हो चुकी है। अब हम df जो डेटा फ्रेम है उसकी हर एक वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और लेमड़ा फंक्शन लिखेंगे, लेमड़ा x कॉलन x मल्टीप्लाई 5, और ये हर वैल्यू पे अप्लाई होगा। अब जब हम df1 को अप्लाई करेंगे और प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हर एक वैल्यू जो है हमारी df की वो 5 से मल्टीप्लाई हो चुकी है और नया डेटा फ्रेम जो बना है उसका एक्सिस और लेंथ सेम है प्रीवियस डेटा फ्रेम के हिसाब से। अब हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर सीरीज पर ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग pd.series करके पाइथन पांडा सीरीज को बनाएंगे और इसके अंदर केवल एक कॉलम होगा और वैल्यूज होगी 0 से लेके 9 तक, टोटल 10 वैल्यूज होगी। अब हम लोग सीरीज को प्रिंट करके देखेंगे। ये देखिए, सीरीज
जीरो से लेके नौ तक टोटल 10 वैल्यूज हैं। अब इस सीरीज के ऊपर हम लोग नंपाई के जो मैथमेटिकल फंक्शन से एक बार में हम लोग दो फंक्शन को एक साथ अप्लाई करेंगे सीरीज के ऊपर, तो उसके लिए हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर दोनों फंक्शन को लिखना पड़ेगा। पहला फंक्शन देखिए हमने लिखा है np.square root, np.exp, exp फॉर एक्सपोनेंशिएशन। अब देखिए हम लोग सीरीज 2 को भी प्रिंट कर देंगे। ये सीरीज 2 जब हमने सीरीज 1 को ट्रांसफॉर्म किया उससे बनी है। यहाँ पे देखिए आपको लेंथ सेम 0 से लेके 9 तक मिली हुई है, और यहाँ पे देखिए जो कॉलम है दो नए कॉलम बन गए, एक स्क्वायर रूट का और एक्सपोनेंशिएशन का। ये है हमारा आज का पार्ट, ट्रांसफॉर्म फंक्शन फॉर बिगिनर्स। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इस सेक्शन में हम लोग ट्रांसफॉर्म फंक्शन के साथ ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। ग्रुप बाय के अंदर सेम टाइप के जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग क्लब कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, और फिर उनके ऊपर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई करते हैं जिनको एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि मीन, मॉड, मीडियन, आपको सम निकालना है, एवरेज निकालना है, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शन एग्रीगेट फंक्शंस में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं वो कंसेप्ट हम सबसे पहले SQL क्वेरीज के थ्रू समझेंगे, फिर इसी कंसेप्ट को हम लोग पाइथन पांडाज पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम MySQL को ओपन करेंगे। हम लोग यहाँ पे MySQL के लिए वेम्प सर्वर का यूज कर रहे हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट है वेम सर्वर का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग CCC नाम के डेटाबेस को ओपन करेंगे, और उस डेटाबेस के अंदर मैंने पहले से ही एक टेबल जिसका नाम EMP एम्प्लॉय है उसको बना रखा है। ये टेबल है देखिए, इसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट दिया हुआ है। अब हम डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को पता करना चाहते हैं। यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट हैं, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, सेल्स में कितने हैं और अकाउंट्स में कितने हैं। यह पता लगाने के लिए हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट कॉलम को ग्रुप बाय में यूज करेंगे, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय का पता लगाने के लिए हम लोग एग्रीगेट फंक्शन काउंट का यूज करेंगे, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग डिपार्टमेंट कॉलम का नाम लिखेंगे। इस काउंट फंक्शन को हम लोग एक लेबल का नाम दे देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो काउंट की जगह नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखा आएगा। और इस EMP टेबल में हम लोग ग्रुप बाय कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज। अब जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट दिख रहे हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिख रहे हैं। अब हम डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग सेम जो क्वेरी ऊपर लिखी है वैसे ही लिखेंगे। बस यहाँ पे जो काउंट फंक्शन है उसकी जगह AVG एवरेज फंक्शन आएगा, और पेरेंथीसिस में सैलरी आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग लेबल का नाम चेंज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे AVG_salary, इसके लिए SAL लिखेंगे। अब हमारा लेबल हमेशा लेबल बताएगा AVERAGE_salary, और यहाँ पे ग्रुप बाय हम लोग DPT डिपार्टमेंट YG करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यू दिख रही है डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। अब हम चाहते हैं कि ऊपर का जो MP टेबल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसमें एक नया कॉलम आ जाए एवरेज सैलरी का, और यहाँ जो नीचे जो सैलरी लिखी हुई है डिपार्टमेंट वाइज वो वहाँ पे ऐड हो जाए। इसका मतलब है पहली रो देखिए राम है वो HR डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी 30,000 लिखी है वो वहाँ पे डिपार्टमेंट के आगे के कॉलम में लिखी आ जाए, और इस तरह से सारे कॉलम वाइज जो एवरेज सैलरी है वहाँ पे लिखी आ जाए। तो हम लोग इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे वही यहाँ पे SQL के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अब हम नीचे जो ग्रुप बाय फंक्शंस लिखा हुआ है उसी का यूज करके एक व्यू बना देंगे। देखिए व्यू भी टेबल जैसा ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कमांड लिखेंगे
create view v1। यहाँ पे देखिए मैंने view का नाम v1 रखा है और उसके अंदर same query create view v1 age, उसके बाद जो ऊपर की query लिखी हुई है select dpt comma avg parenthesis salary from emp group by dpt, same query हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर जब हमारा व्यू बन जाएगा तो ऊपर के EMP टेबल और V1 जो हमारा व्यू है उन दोनों को हम लोग इक्वी जॉइन के थ्रू आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये व्यू बन गया है जो सेम ऊपर की जो करी थी उसके रिजल्ट के जैसा ही दिख रहा है। ये व्यू का स्ट्रक्चर है। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करके सबसे पहले EMP टेबल की वैल्यूज को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इन दोनों टेबल्स को पहला व्यू V1 और दूसरा EMP टेबल इन दोनों को इक्वी जॉइन कर देंगे। इसके अंदर देखिए एक कॉमन फील्ड है DPT दोनों के अंदर, उसी के थ्रू हमारी जॉइनिंग होगी। तो सबसे पहले हम लोग सारे के सारे EMP के फील्ड को यहाँ पे लेंगे, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा emp.eno कॉमा emp.ename emp.salary कॉमा emp.dpt कॉमा। अब हम लोग v1 का फील्ड लेंगे v1.avg_sl। तो देखिए हमने दोनों टेबल्स की वैल्यूज को यहाँ पे ले लिया। अब फ्रॉम और उसके बाद दोनों टेबल का नाम, पहले emp और दूसरा हमारा व्यू v1। अब इसके बाद हम लोग वेयर कमांड लिखेंगे और वेयर के अंदर हम लोग दोनों टेबल के जो कॉमन फील्ड है उसका नाम लिखेंगे emp.dpt=v1.dpt। ऐसा करने से दोनों टेबल के बीच में जॉइनिंग हो जाएगी और जो हमारा दूसरा फील्ड है एवरेज सैलरी का वो EMP के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा टेबल आपको दिख रहा है जिसमें सारे फील्ड हैं, हर डिपार्टमेंट के आगे उसकी एवरेज सैलरी लिखी हुई है। अब यही सेम प्रोसेस हम लोगों को पाइथन में डेटा फ्रेम के साथ करना है, तो वो हम लोग ट्रांसफॉर्म फंक्शन के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पाइडर एडिटर को ओपन करेंगे और पाइथन पांडाज और नम पाई को इम्पोर्ट करेंगे। अब हम एक डिक्शनरी बनाएंगे और उसके अंदर EMP टेबल के जितने भी फील्ड्स हैं उनका नाम लिखेंगे और उनके अंदर डेटा को भी हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वही सेम फील्ड चलेंगे, एम्प्लॉय नंबर, ENO, ENM, सैलरी, डिपार्टमेंट। इस डिक्शनरी में केवल एक ही फील्ड न्यूमेरिक है और वो है सैलरी। ये जो ENO है वो भी हमने एज ए स्ट्रिंग ही रखा है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर को हमने सिंगल कोट्स में कर रखा है। इस डिक्शनरी का यूज करके हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे df। तो उसके लिए हम लोग पांडाज की कमांड का यूज करेंगे pd.dataframe और पेरेंथिस के अंदर हम अपनी डिक्शनरी का नाम dict लिखेंगे। अब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं और हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए सेम EMP टेबल आपको दिख रहा है, सेम वैल्यूज है। ये एक डेटा फ्रेम है जो हमने डिक्शनरी के थ्रू बनाया है। अब हम डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी या पाइथन में भी निकालेंगे। यहाँ पे एवीजी फंक्शन की जगह मीन फंक्शन यूज होता है और सेम ग्रुप बाय जो कमांड है वो यहाँ पे भी यूज होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय और फिर पेरेंथिसिस के अंदर सिंगल कोट्स में हम लोग हमारा फील्ड जो है उसको लिखेंगे dpt, फिर उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन डॉट करके लिखेंगे और फिर पेरेंथिसिस के अंदर एक और ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग मीन फंक्शन है तो यह मीन फंक्शन numpy का फंक्शन है तो उसके लिए लिखेंगे np.mean। अब देखिए इसके थ्रू जो नया डेटा फ्रेम बना है df1 उसको हम लोग प्रिंट करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ईएमपी टेबल है और यहाँ नीचे का जो दूसरा डेटा फ्रेम है उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दिख रही है, मीन सैलरी दिख रही है। अब जो नीचे डिपार्टमेंट वाइज जो सैलरी है उसको ऊपर डिपार्टमेंट वाइज हमको जोड़ना है, उसके लिए एक नया कॉलम बनाएंगे हम लोग वहाँ पे। और फिर उसके बाद जैसे कि राम है वो एचआर डिपार्टमेंट का है तो उसकी एवरेज सैलरी 25,000 रहेगी, वो वहाँ लिखी आएगी। पीहू सेल्स में है तो उसके डिपार्टमेंट के आगे 23,333 सैलरी लिखी आएगी। अब हम एग्रीगेट की जगह ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो हमको यहाँ पे उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी पे अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि हम मीन सैलरी एवरेज सैलरी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग सैलरी लिखेंगे फिर डॉट करके ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। यहाँ पहले हम लोग एग्रीगेट लिखते थे उसकी जगह अब ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग np.min लिखेंगे। तो इसके थ्रू देखिए एक नया जो डेटा फ्रेम बनेगा और उसके अंदर ये जो हमारी एवरेज सैलरी है वो लिखी आएगी। तो देखिए हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 0 से लेके 7 तक के यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहे हैं और साथ में आपको यहाँ पे एवरेज सैलरी भी दिख रही होगी। अब हम लोग ये जो नया डेटा फ्रेम बना हुआ है और ऊपर का जो डेटा फ्रेम बना हुआ है इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। दोनों डेटा फ्रेम को आपस में जोड़ने की जगह हम लोग जो पहले का डेटा फ्रेम बना हुआ है उसके अंदर एक नया कॉलम हम लोग बना सकते हैं और उसके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म की हुई वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम बना रहा हूँ मीन अंडरस्कोर सैलरी, जो मीन सैलरी बताएगा एवरेज सैलरी को बताएगा। तो देखिए हमको नया डेटा फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं, प्रीवियस डेटा फ्रेम के अंदर ही हमने एक नया कॉलम बना दिया और उसके अंदर ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन जो हमने ट्रांसफॉर्म फंक्शन से बनाया है उसको जोड़ दिया है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए ट्रांसफॉर्म किया हुआ नया हमारा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर हमने एक नया कॉलम जोड़ दिया पर इसकी जो लेंथ है और एक्सिस है उसको हमने चेंज नहीं किया हुआ है। हर डिपार्टमेंट के आगे उसकी जो एवरेज सैलरी है वो लिखी हुई है। देखिए कंसेप्ट को और हम क्लियर करते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मीन सैलरी है उसकी जगह हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को काउंट करेंगे तो यहाँ जो सैलरी का जो फील्ड है वहाँ आ जाएगा डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने चाहते हैं। तो यहाँ नया फंक्शन आ जाएगा np.non0 और यहाँ पे जो मीन सैलरी है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉई या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दोनों में कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये नया कॉलम जुड़ जाएगा हमारे जो प्रीवियसली दिया हुआ डेटा फ्रेम है उसके साथ। तो देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये देखिए यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है। एचआर के 2 एम्प्लॉय हैं तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। सेल्स देखिए आपको 3 जगह दिखेगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 लिखा हुआ है। इसके थ्रू आप लोग आपके डेटा फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कंप्यूटर कोडिंग क्लास को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।